नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं श्रुति। सोमवार रात लद्दाख में चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों पर किए गए हमले की देश भर के व्यापारियों ने कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि चीन जब भी अवसर मिलता है भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है। चीन का ये रवैया देश के हितों के विरुद्ध है। इस बात को देशवासियों के ध्यान में लाते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने चीनी सामान के बहिष्कार और भारतीय सामान के उपयोग का बढ़ावा देने के अपने राष्ट्रीय अभियान भारतीय सामान हमारा अभिमान के अंतर्गत कमोडिटी के 450 से अधिक कैटेगरी के वृहद सूची जारी की है। इस सूची में 3000 से अधिक ऐसे उत्पाद हैं जो चीन में निर्मित होकर भारत में आयात होते हैं। इनके बहिष्कार का आह्वान कैट ने अपने अभियान के प्रथम चरण में किया है। कैट ने दिसंबर 2021 तक भारत द्वारा चीन से आयात में लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए की कमी करने का लक्ष्य बनाया है। अब आपको बता दें कि इस लिस्ट में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। खिलौने, फर्निशिंग, फैब्रिक, टेक्सटाइल, बिल्डर हाईवेयर, फुटवेयर, गारमेंट, किचन का सामान, लगेज, हैंडबैग, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आइटम, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन अप्रैल, खाद्यान्न, घड़ियां, जेम्स एवं ज्वेलरी, वस्त्र, स्टेशनरी, चश्मे, होली और दिवाली में खेलने वाले सामान, ये सभी इसमें शामिल हैं। अच्छी बात यह है कि ये सब भी भारत में बनते हैं, तो भारत आसानी से चीन के सामान का बॉयकॉट कर सकता है। लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि भारत कई तरीके से चीन पर डिपेंडेंट है, यानी कि निर्भर है। भारत की इकोनॉमी अब इतनी नीचे गिर चुकी है कि कोरोना वायरस के समय भी इकोनॉमी को राइज करने के लिए भारत को लगातार अपने लॉकडाउन को खोलना पड़ रहा है। तो इस बीच चीन से सारे सामान को बॉयकॉट करना और इकोनॉमी को वापस नीचे गिराना भारत के लिए पॉसिबल नहीं है। आपको बता दें, भारत और चीन के बीच हर साल करीब 6,00,000 करोड़ रुपए का बायलैटरल ट्रेड होता है। भारत चीन से हर साल करीब 4.9 लाख करोड़ रुपए का आयात करता है, जबकि चीन को 1.2 लाख करोड़ का निर्यात किया जाता है। इस तरह से चीन के साथ भारत का ट्रेड बैलेंस बिगड़ा हुआ है, लेकिन चीन के लिए भारत का बाजार भी बहुत जरूरी है। किसी भी हाल में वो भारत के साथ ट्रेड वॉर नहीं कर सकता। एक रिपोर्ट की बात करें तो अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 के बीच भारत ने चीन को 14.42 अरब डॉलर का निर्यात किया है, जबकि इस दौरान चीन से कुल आयात लगभग 4 गुना है, यानी कि 57.93 अरब डॉलर। इस साल की बात करें तो मार्च में पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। जनवरी फरवरी में चीन ने भारत को 9.5 अरब डॉलर का निर्यात किया था। इस दौरान भारत ने चीन को 2.5 अरब डॉलर का निर्यात किया था। कोरोना के कारण पिछले साल के मुकाबले इसमें 11-12% की गिरावट हुई है। इस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था में चीन और चीन की कंपनियां बहुत अंदर तक समा चुकी हैं। भारत की तमाम इंडस्ट्री चीन से आयात होने वाले सामान पर निर्भर करती हैं। ऐसे में ना तो चीन के सामान का झटका से बहिष्कार किया जा सकता है और ना ही उससे व्यापारिक रिश्ते खत्म किए जा सकते हैं। इस बात पे भी दो राय नहीं है कि चीन भी भारत के लाखों करोड़ों सामान का निर्यात करता है। भारत की इकोनॉमी में कंजप्शन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर भारत ने चीन के सामान का बहिष्कार कर दिया तो उसे भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। सीमा पर जारी विवाद के बावजूद चीन नहीं चाहेगा कि भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते किसी भी तरीके से खराब हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।